नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आमतौर पर ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, जो वैसे तो कानून के दायरे में आती है, लेकिन उसके ऊपर अगर उसके ऊपर भी सजा न्यायालय देना शुरू करे तो ये न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि आम तौर पे लोग जो है इन मामूली झगड़ों को, इन छोटे मोटे नोकझोंक को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही है सेक्शन 95, यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 95 और भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में यही प्रावधान है। तो क्या है प्रावधान, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इसे उदाहरण स्वरूप। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। मित्रों, आपसे ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे YouTube चैनल पेज को जरूर विजिट करें, यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में है, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं। और ये दोनों ही माध्यम, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में वीडियोस अवेलेबल हैं, तो कृपया इसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, यानी सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में क्या है। तो 95 में यह है कि वैसे छोटे मोटे मामूली अपराध जिसे आमतौर पर कोई भी व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है, वैसे अगर कानूनी प्रावधानों के हिसाब से देखें तो जरूर ही ऐसे जो कृत्य हैं वो हमारे कानूनी दायरे में आ जाता है, लेकिन न्याय के नज़रिए से देखें तो ऐसी चीज़ों पे किसी को सजा देना ये न्याय हित में नहीं होगा। और इसे, इन छोटी मोटी तुच्छ चीज़ों को अगर कोई लिटिगेशन में लाता है, इस पर विवाद करता है, पुलिस में जाता है, रिपोर्ट लिखाता है, तो वैसी स्थिति में प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के लिए एक बढ़िया ग्राउंड सेक्शन 95 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि बेयर एक्ट के सेक्शन 95 में क्या है। तो बेयर एक्ट का सेक्शन 95 यह कहता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी छोटे मोटे नोकझोंक के लिए, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कम्स और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी नोक झोंक जिसे जो आम इंसान है उस पर कोई पहल नहीं करना चाहता, उस पर कोई कानूनी पहल नहीं करना चाहता, कोई इस पर केस मुकदमा फाइल नहीं करना चाहता, वैसी स्थिति में अगर कोई ऐसी चीज़ों, ऐसी छोटे मोटे तुच्छ चीज़ों के लिए अगर पुलिस में जाता है या कोर्ट में जाता है, तो वैसी स्थिति में जो आरोपी है उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए ये डिफेंस काफ़ी है कि ऐसी छोटी मोटी बातों पे और ऐसी छोटी मोटी, ये प्रावधान में लिखा हुआ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म, तो ये एक अपराध नहीं होगा। साफ तौर पे सेक्शन 95 में लिखा हुआ है कि ये अपराध नहीं है जो इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट कॉजेज, जो जिसमें ऐसा लगता है कि इससे कोई नुकसान या क्षति हो सकती है लेकिन होती नहीं, तो ये सेक्शन 95 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के ऊपर ये हमारा वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और साथ में इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।